हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मेक कॉजेटिव वर्ब मेक के इस्तेमाल में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मेक हम लगाएंगे तो लगाएंगे किस तरह के सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, हम आज वही सीखने वाले हैं, आज सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मेक का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना का मतलब होता है मेक। ओके, वह कुर्सी बनाता है, ही मेक्स चेयर। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, बनाना होता है। बट अगर हम मेक का इस्तेमाल एज अ कॉजेटिव वर्ब करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मेक का इस्तेमाल हम एज अ कॉजेटिव वर्ब तब करते हैं जब सब्जेक्ट कोई खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी और से कराता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, किसी और से कराता है और वो उसमें खुद भी शामिल होता है। जैसा हम एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल मुझे हंसाता है। राहुल खुद कुछ काम नहीं कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? मुझे हंसाने का काम कर रहा है। यानी कि हंस मैं रहा हूँ और हंसा रहा है कौन? राहुल। तो राहुल किसी और से कुछ करा रहा है बट राहुल उसमें शामिल है। ओके फ्रेंड्स, जब हम किसी और से कुछ कराते हैं और हम खुद भी उसमें शामिल होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम एज अ मेन वर्ब मेक का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेक। जैसे इसमें आपको लग रहा होगा कि हंसाना ये मेन वर्ब है, लेकिन इसमें हंसाना मेन वर्ब नहीं है, इसमें हंसाना एज अ सेकेंडरी वर्ब है। ओके, सेकेंड मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ओके, हम अगर लिखते हैं राहुल, अब इसमें चूंकि मैं राहुल मुझे हंसा रहा है, इसमें राहुल मुझे हंसाता है, तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब करेंगे। और जो भी सेंटेंस के हिसाब से, यानी कि जो भी टेंस होगा उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इंडेफिनिट के जो रूल्स होंगे वो मेक के साथ लगेंगे, जो भी चेंजिंग होंगे वो मेक के साथ होंगे, न कि हंसाना के साथ, यानी कि सेकेंडरी वर्ब के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो राहुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मेक्स हो जाएगा, मेक्स मी लाफ। और इतना आप ध्यान रखना कि इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो सेकेंडरी वर्ब है उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी कि लाफ। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो इसमें तुम यानी कि तुम, यू है, यू किसी और को गुस्सा दिला रहा है, यू खुद कुछ काम नहीं कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? तो किसी और को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है। मतलब प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? किसी और पर, तो वो उसमें लेकिन शामिल है क्योंकि उसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। तो तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू मेक मी एंग्री, यू मेक मी एंग्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मेक का इस्तेमाल होगा, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस के सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस के रूल्स के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, जैसे अगर हम बोलते हैं कि राहुल मुझे हंसा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, राहुल इज मेकिंग मी लाफ। यहाँ पर जो मेक है ये मेन वर्ब है, इसलिए जो भी बदलाव होगा, चेंजिंग होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अनुसार जो भी रूल्स होगा उसका, वो मेक के साथ होगा न कि लाफ के साथ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो राहुल इज मेकिंग मी लाफ, राहुल ने मुझे हंसाया है, राहुल हैज मेड मी लाफ। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसलिए मेक का मेड हो गया, मेड थर्ड फॉर्म होता है। तो राहुल हैज मेड मी लाफ, राहुल मुझे हंसाता रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो राहुल हैज बीन मेकिंग मी लाफ। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अगर इस तरह का कॉजेटिव वर्ब का उसमें उल्लेख हो तो। ओके फ्रेंड्स, तू मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू मेक मी एंग्री। अब इसका अगर हम कंटिन्यूअस बोलेंगे, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, यू हैव मेड मी एंग्री। तुम मुझे गुस्सा दिलाते आ रहे हो, यानी कुछ लंबे समय से वो गुस्सा ही दिलाता आ रहा है उसको,
तो तुम मुझे गुस्सा दिलाते जा रहे हो, यू हैव बीन मेकिंग मी एंग्री। ओके फ्रेंड्स, माँ बच्चों को नहलाती है, सिंपल है, इसमें नहलाना वर्ब हो गया, लेकिन बच्चों को नहला रही है। माँ क्या कर रही है? नहलाने का काम कर रही है, वो बच्चा को नहला रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माँ भी शामिल है नहलाने के काम करने में और बच्चा भी शामिल है, दोनों शामिल होते हैं, तभी मेक का इस्तेमाल करते हैं। द मदर इज, सॉरी, द मदर मेक्स चिल्ड्रन बाथ। मदर मेक्स चिल्ड्रन बाथ, वह कुत्तों को भगाता है। ही मेक्स डॉग्स रन अवे, ही मेक्स डॉग रन अवे। ओके फ्रेंड्स, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं अभी आपने जो पढ़ा, ये किसी भी फॉर्म में रहेगा, किसी भी टॉपिक से रहेगा। इसका स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो, चाहे बेसिक से शुड का हो, कैन का हो, हैज टू, हैव टू का हो, तो उसमें हम मेक को एज अ मेन वर्ब ही रखकर सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपको उसे नहीं हंसाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक हिम लाफ। तुम्हें बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए, यू शुडंट मेक द चिल्ड्रन क्राई। आप उसे हंसा सकते हो, यू कैन मेक हिम लाफ। आपको उसे हंसाना है, यू हैव टू मेक हिम लाफ। मुझे उसे क्यों हंसाना चाहिए, वाई शुड आई मेक हिम लाफ। क्या माँ बच्चों को नहला सकती है, कैन मदर मेक चिल्ड्रन बाथ। ओके फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो सेंटेंस किसी भी तरह का हो, कॉजेटिव वर्ब अगर रहेगा तो उसमें हम मेक को एज अ मेन वर्ब लेकर ही इंग्लिश उसका बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी ये जो नीचे का है, नीचे का उसे हंसाया जाता है, घोड़ों को दौड़ाया जाता है, मुझसे गीत गवाया जाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस का। बट इसमें हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, बट इसमें सब सब में अगर जाता है, जाती है, पैसिव वॉइस है। आपको पता है कि जब भी पैसिव वॉइस होता है तो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, उसमें हम क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी मेक का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, मेड। जैसे उसे हंसाया जाता है, तो आपको अगर पैसिव के बारे में जानकारी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है उनको ही समझ में आएगा जिनको बेसिक और टेंसेस के बारे में जानकारी है, अच्छी तरह से जानकारी है, उन्हें ही ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, उसे हंसाया जाता है, तो ही इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही इज मेड टू लाफ। ही इज मेड टू लाफ। घोड़ों को दौड़ाया जाता है, horses are made to run, horses are made to run। मुझसे गीत गवाया जाता है, I am made to sing a song। okay friends, पैसिव वॉइस में हमेशा किसी और के द्वारा काम होने की भाव होते हैं, बट ये जो है कॉजेटिव वर्ब है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, राहुल मुझे हंसाता है, तो राहुल मेक्स मी लाफ, राहुल को हंसाया जाता है। तो हंसाने का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, हंसाने का इंग्लिश नहीं होता है। तो हंसाने का इंग्लिश हम बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं, उसे रुलाया जाता है, तो रुलाने का इंग्लिश नहीं होता है, रोना का इंग्लिश होता है वीप या क्राई, रुलाने का इंग्लिश नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे रुलाने का इंग्लिश हम बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे नहलाना, नहाना का इंग्लिश होता है टेक बाथ या बाथ भी बोल सकते हैं हम, बट नहलाना का इंग्लिश क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ पर मेक का इस्तेमाल करते हैं नहलाना का इंग्लिश बनाने के लिए। एक ये भी तरीका है आपके समझने के लिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वही सब वर्ब इसमें इस्तेमाल हो रहा है, हंसाना, दौड़ाना, गवाना,
ओके फ्रेंड्स, अगर हम पीटा जाता है बोल रहे हैं तो पीटना, पीटा का पीटना, पीटना का क्रिया होता है बीट, बट हंसाया, हंसाया जाता है, हंसाया का हंसना होता है लाफ, लेकिन यहाँ पर किसी और को हंसाना उसका इंग्लिश नहीं बनता है लाफ का मतलब, इसलिए मेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस जब कॉजेटिव वर्ब में होता है तो कैसे बनाते हैं। सीधा जो भी टेंस है, अगर प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस है तो इजारे में लगाकर मेड लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। अगर पास्ट इन्फिनिटिव टेंस है, जैसे उसे हंसाया गया, उसे हंसाया गया, ही वॉज, पास्ट इन्फिनिटिव टेंस का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होता है प्लस वी थ्री होता है, तो ही वॉज मेड टू लाफ। घोड़ों को दौड़ाया गया, हॉर्सेस, द हॉर्सेस वर मेड टू रन। ओके फ्रेंड्स, मुझसे गीत गवाया गया, आई वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग। उससे, उसे हंसाया जा रहा था, ही वॉज बींग मेड टू लाफ। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर चाहे जिस टेंस से भी हो, चाहे जिस वॉइस से भी हो, मेक का इस्तेमाल एज अ वर्ब करेंगे, हम मेन वर्ब करेंगे और उसके बाद ही हम सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कठिन है मेक वाले टॉपिक को समझना, बट अगर आप ध्यान से, आपने देखा होगा वीडियो को अभी शुरू से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेक का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। जब हम काम किसी और से कराते हैं और उसमें हम दोनों शामिल होते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि उसमें हम किसी निर्जीव की बात नहीं करेंगे। जैसे मैं पत्र लिखवा रहा हूँ तो वहाँ पर पत्र निर्जीव चीज़ हो गया, निर्जीव चीज़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम मेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम कोई एक सजीव किसी सजीव से कुछ करा रहा है तभी हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कॉजेटिव और मेक का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लड़कों को हंसाया गया, बॉयज वर मेड टू लाफ। लड़के दौड़ाए जाएंगे, द बॉयज विल बी मेड टू रन। माँ ने बच्चों को सुलाया, मदर मेड द चिल्ड्रन स्लीप। बच्चे को सुलाया गया, द चाइल्ड वॉज मेड टू स्लीप। मोहन ने मुझसे गीत गवाया, मोहन मेड मी सिंग अ सॉन्ग। कुत्ते दौड़ाए गए, डॉग्स वर मेड टू रन। रोगी को टहलाया गया, द पेशेंट वॉज मेड टू वॉक। मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया, आई मेड हिम क्लाइम अप द ट्री। उसे पेड़ पर चढ़ाया गया, ही वॉज मेड टू क्लाइम अप द ट्री। उसने मुझे पानी पिलाया, ही मेड मी ड्रिंक वाटर। मोहन ने बच्चों को रुलाया, मोहन मेड द चिल्ड्रन क्राई। क्या तुमने कभी किसी को हंसाया है, हैव यू एवर मेड एनीबडी लाफ। तुमने उसे क्यों रुलाया, व्हाई डिड यू मेक हिम क्राई। क्या वह तुम्हें खिलाएगा, विल ही मेक यू प्ले। उसने घोड़े को दौड़ाया, ही मेड द हॉर्स रन। वह उसे रोज रुलाता है, ही एवरी डे मेक्स हिम क्राई। उसे मत रुलाओ, डोंट मेक हिम क्राई। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। हमें किसी को रुलाना नहीं चाहिए, वी शुडंट मेक एनीबडी क्राई। मुझे उसे हंसाना है, आई हैव टू मेक हिम लाफ। तुम उसे नहीं नचा सकते हो, यू कांट मेक हिम डांस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि मेक का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और उसका इस्तेमाल करने का रूल्स क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्ले लिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्ले लिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।